क्या आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी नाभि बाहर निकल आई है या आपकी नाभि उभरी हुई नहीं है, इस बात को लेकर आप बहुत टेंशन में हैं। इसके अलावा नाभि बाहर क्यों आ जाती है और कौन से मंथ से नाभि का उभार बाहर की ओर होने लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नाभि में आए चेंजेस की वजह से आपको क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और इन दिक्कतों से आप अपना बचाव कैसे कर सकती हैं, यह भी बताऊँगी। साथ ही नाभि के अंदर या बाहर होने से जेंडर डिसाइड होता है कि आपके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, फिर गर्भ में जैसे आपके बच्चे की ग्रोथ होगी, उसका आकार बढ़ेगा तो आपके पेट का साइज भी बढ़ने लगता है। फिर छठवें महीने से या सातवें महीने से कुछ महिलाओं की नाभि बाहर निकल आती है और कई महिलाओं की नाभि पूरी प्रेगनेंसी निकल जाती है, जैसी थी वैसी ही रहती है, यानी कि उभरी हुई नहीं दिखाई देती, बाहर की ओर निकलती नहीं है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। और मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरी नाभि बाहर की ओर निकली हुई नहीं थी, आठवें महीने में भी नहीं और नौवें महीने में भी नहीं। उसके बाद फिर मैंने अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो फिर मेरी नाभि 6 मंथ से ही थोड़ी थोड़ी सी निकलने लगी थी। वैसे नॉर्मली 7 मंथ से ज़्यादातर महिलाओं की नाभि बाहर निकलती है, और जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता गया तो मेरे पेट के साथ साथ मेरी नाभि का उभार भी बाहर की ओर ज़्यादा होता चला गया। 9 मंथ तक मेरी नाभि बहुत बड़ी हो गई थी, दूर से ही दिखाई देती थी। सच बताऊँ मतलब मुझे बहुत शर्म आती थी, इसलिए मैं हमेशा चुन्नी डालकर रखती थी अपने पेट पर। और डिलीवरी के बाद फिर मेरा बेटा हुआ, लेकिन मेरी नाभि को लेकर मेरी दादी, चाची, मम्मी और भी मतलब बहुत से बड़े बुजुर्ग मुझसे बोलते थे कि देखना तुम्हारा बेटा ही होगा, और उनकी बात सच भी हुई, क्योंकि उन सभी लोगों के हिसाब से अगर नाभि बाहर निकली हुई होती है तो फिर लड़का होता है। बाकी मेरी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग तो यह बात बिल्कुल सच है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में नाभि में बदलाव आने के कौन कौन से कारण होते हैं। पहला रीजन, देखिए प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर में बच्चा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है, फिर उसका प्रेशर आपके पेट पर पड़ता है, जिसकी वजह से पेट का आकार भी बढ़ता है, मसल्स में खिंचाव आता है, फिर इसकी वजह से नाभि बाहर की ओर निकलने लगती है। पहली और दूसरी तिमाही में पेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, इसलिए उस टाइम नाभि नहीं निकलती। दूसरा रीजन, यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तो फिर महिलाओं को अम्लीकल हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर इस रीजन की वजह से भी नाभि बाहर निकल आती है। तीसरा रीजन, कुछ महिलाओं की नाभि बाहर निकल आती है और फिर उसमें कई दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे कि नाभि के चारों ओर रेडनेस होना, नाभि में दर्द होना या फिर नाभि से पानी टाइप का निकलना। इसके अलावा नाभि में ब्लैक पपड़ी भी जमने लगती है, खुजली होने लगती है, फिर आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, नहीं तो नाभि में इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इन परेशानियों से आपको कैसे बचना है। तो पहला है, अगर आपकी नाभि में दर्द हो रहा है तो फिर आप उस टाइम टाइट कपड़े मत पहनिए, आपको लूज़ और आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए, और सोते टाइम भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पोजीशन सही हो, जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर सोना है और अपने पेट के नीचे सॉफ्ट पिलो रख लेना है, जिससे आपके पेट को सपोर्ट मिले। दूसरा, यदि आपको अम्लीकल हर्निया हो गई है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा, अगर आपकी नाभि में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, तो आप एलोवेरा जेल, नारियल का तेल लगाइए, आपको आराम मिल जाएगा। चौथा, यदि नाभि से पस निकल रहा है, रेड हो रही है, सूजन आ रही है या आपको कोई भी इन्फेक्शन लग रहा है, तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए, आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी नाभि बाहर निकल रही है या निकली हुई नहीं है, दोनों ही चीज़ों का आपकी प्रेगनेंसी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।